गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल चांदनी डॉट आर्यन। तो आप लोग कैसे हो बच्चे होंगे? और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज बहुत ही लेट हो गया उठने में, अभी 9 बज रहा है। अभी हम रेडी कुछ नहीं हुए, ना नाश्ता हुआ मेरा, ना रेडी हुए, ना मुझे ये बेगुक सरियाने का मौका भी मिला है। सब मुझे करना पड़ता क्योंकि आने के बाद ना क्या क्या जो मैम होमवर्क देते हैं ना उसको देखना पड़ता है। तो हम वैसे ही छोड़ देते हैं यहाँ पे कि सुबह सुबह सरियाएंगे, पर अभी कुछ नहीं हुआ है। घर भी अच्छा से हम अभी कुछ नहीं किए। सुबह सुबह उठते हैं ना तो हम पूरा तहावा के घर रख देते हैं, मतलब अच्छा सरिया के रख देते हैं सब कुछ, पर अभी कुछ भी नहीं हुआ। देख सकते हैं यहाँ के ये सब देख सकते, कुछ नहीं। अभी मम्मी से क्या करते हैं कि उठते हैं, मम्मी का भी तो काम रहते हैं कि जाके सब जगह कपड़ा लाना होता है मम्मी को, तो मम्मी को भी घर में फुर्सत नहीं मिलता है, तो हमको ही करना पड़ता है, सुबह सुबह उठना पड़ता है। आज बहुत ही लेट हो चुका क्योंकि कल मतलब शादी मतलब रिसेप्शन में गए थे तो वो सब साड़ी ना ऐसे रख दिए थे और नया साड़ी था, तो फिर हम सोचे कि इसको ना अच्छा से तहा के रखते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ही लेट हो चुका था। इसके 1 बजे हम सोए, उसके बाद आज लेट से उठे क्योंकि हम जल्दी सोते हैं ना घर, तो जल्दी उठते हैं। और आज हमको जाना है रिसरा बुक लेने, क्योंकि हम लोग को ना स्कूल से 3 बुक मिलता है और जितना बाकी बुक रहता है सब मुझे बाहर से, क्योंकि 5 बजे तक निकलेंगे तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो अंधेरा पड़ जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और हम अकेले नहीं, मेरी दोस्त जाएगी मेरे साथ। देखिए चलते हैं, और अभी हम रेडी होंगे, नाश्ता वास्ता कुछ नहीं किए तो चलते हैं। तो अभी मैं निकल रही हूँ बुक के लिए, और जैसे कि हम बोले कि हम खाना खाएंगे, हम भी खाना नहीं खाए क्यों, लेट हो जाता। आज का दिन देख सकते हैं बहुत ही पीला पीला टाइप में किया है ना, एकदम आज सुबह में इतना अच्छा दिन किया था और जाके स्कूल में जाके ना पूरा धूप धूप आ गया। तो अभी चलते हैं बुक लेते हैं, रिश्ता में मेरा पूरा बुक मिल जाए। तो अभी हम आ चुके हैं स्टेशन पे क्योंकि हम ट्रेन ही से जाते हैं, तो पता नहीं कब तक आ रहा है ट्रेन, नहीं मालूम। बहुत ही गाइस लेट हो चुका है, ट्रेन भी बहुत लेट है आज, हम निकलते हैं। मम्मी भी फ़ोन कर रही है कि कब आओगी, मतलब मम्मी को भी टेंशन हो जाता है। हम और मेरी दोस्तें हैं क्योंकि इतना अकेले अजीब लगता है, दिन में आते ना तो कोई बात नहीं है, पर रात हो या शाम हो या 6 बज रहा है या 7 बज रहा है, पर टेंशन सबको होता है। आएगी ये लड़की यार, कुछ भी आंसू आ गया मेरा पूरा। आई थी मेकअप करके। क्या मेकअप दिख रहा है जरा बताइए। नहीं ऐसे मेकअप तो नहीं है, पर लिपस्टिक करके आई, हम भूल गए हम लगाना। देखते कब तक गाइस ट्रेन आ रहा है, हम निकलते हैं। बांधना नहीं है तो मैं इसको ऐसे छोड़ू। देखते कब तक आता है ट्रेन। बहुत ही आज ट्रेन लेट कर चुका है ना, बहुत ज्यादा यार, गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत। कब का हम लोग निकले हैं, 5:30 बजे घर से निकले हुए हैं हम लोग, अभी तक इतना टाइम हो गया। चलो देख थोड़ा सा इधर घूमो, अच्छा लग, इतना गर्मी लग रहा है ना, का इसका मुंह देखो पहले, पसीना पसीना हो गई हूँ पूरा, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। मैं फुल पहन के आई हूँ और हम जो बुक लिए इधर से ली, क्योंकि 3-9 प्लेटफॉर्म पे क्या होता है ना कि इधर से एकदम सामने ही हम लोग का मतलब दुकान मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो हम तो पहला बार आए थे यहाँ दोस्त लोग के संग, तभी हमको बताया गया था हम यहाँ पे जाने कि हाँ यहाँ पे किताब उताब हर एक चीज़ मिल जाता है, तो हम जानते थे इसीलिए हम यहाँ पे आए। और क्या होता है ट्रेन से बहुत ही आसानी होता है, पर ट्रेन क्या करेगा कि ट्रेन लेट भी रहता है कभी कदर। ट्रेन कितना इधर का ही ट्रेन अभी इधर ही जा रहा है, पर इधर का नहीं आ रहा अभी, कब तक आता है नहीं आता है। हम ट्रेन से आना बहुत ही अच्छा है, पर ट्रेन जब लेट करता है ना बहुत ही गुस्सा आता है। ट्रेन में मजा भी तो आता है, इतना ठंडा ठंडा हवा कुलकुल होते होते जाओ। अभी थोड़ा हवा आ रहा है, अभी चल रहे ना गाइस, तो बहुत ही थोड़ा मोड़ा हवा आ रहा है, तो अभी देखिए कब तक ट्रेन आता है। हम तो बहुत टेंशन है, मम्मी फोन वोन करेगी, इसका दादी फोन करेगी कि कब आओगी, इतना अभी तक तो फोन मेरी दादी का आया नहीं है, बट पता नहीं अब कब तक आ जाएगा, कोई ठीक नहीं है क्योंकि अभी पता है 7 बजने वाला, हम लोग क्या सोचे कि स्टेशन पे आएंगे। बुक भी ले चुके हैं और ये मुझे चाहिए, मेरे पास नहीं था तो हम ये भी ले लिए, और कोई बुक लिए है कोई नहीं लिए है क्योंकि
तो अभी निकलते घर के लिए। अच्छा पता है हम सोचे ना कि ये दुकान अभी बंद है, इसके वजह से दुकान बंद है, तो शायद बुक नहीं ले आएगा मेरा। तो फिर भी तुम बोली कि यही दुकान है, तो बोले हाँ यही दुकान है। चलो अच्छा वो बुक भी लिया गया, मेरा टेंशन भी गया। तो अभी हम 3-4 बुक लिए हैं, पर दो और ले लें। और अभी अंकल बोले थे कि तुम्हारा शादी भी हो गया, फिर भी पढ़ रही हो। अरे हाँ पढ़ना ही है, शादी तो होना ही था इसीलिए। तो चलिए अभी घर चलते हैं। और मेरा बुक लिया गया, जो जो मेरे पास नहीं था वो लिए, क्योंकि कोई आर्ट से आने के बाद मेरे पास पता नहीं इधर उधर सामान चल जाता है पढ़ाई का। तो अभी तो इसको इधर उधर नहीं करेंगे, इसको अच्छा से रखेंगे तो अच्छा से रहेगा। शादी में क्या हुआ था ना कि यहाँ एडजस्टिंग करके चले गए, उसके बाद पता नहीं कि कहाँ कहाँ मेरा सब सामान मेरे पास खरीद लेता, हम खूब खरीद लेते पर अभी हम खरीद लेते। तो चलते हैं अभी, पैसा लो ना, निकलते हैं घर के लिए। तो आप लोग बोला को बने रहिए। और ट्रेन बहुत लेट ही आया था, बहुत ज़्यादा लेट आ चुका था। तो क्या हुआ ना कि हम उत्तरपर स्टेशन आया, पर वहाँ पे ना एक बैग का दुकान था और एक बोतल का। तो हमको ना एक बैग अच्छा लगा जो पिंक कलर, हमको पिंक कलर बहुत ही पसंद है। ये बैग ना वहीं पे टंगा हुआ था, तुमको बहुत ही अच्छा लगा तो हम सोचिए ले लेते हैं। और ऐसे मेरा बैग पूरा ख़राब हो चुका है, तो इसकी वजह से हम ये बैग लिए। और हमको पिंक कलर, ये ना क्या हुआ गंदा बहुत होगा, मतलब इसको सही से रखेंगे तो गंदा नहीं हो पाएगा, पर ऐसा वैसा स्कूल में फेंकाता है बैग, नीचे गिर जाता है गंदा हो जाता है। तो ये गंदा होगा पर इसको हम अच्छा से रखें, मतलब कि मतलब धो भी सकते हैं इसको ना, तो ये इसको उतना गंदा नहीं करना है, पर इसको धो भी लेंगे तो कोई बात नहीं। हमको पिंक कलर हमको बहुत ही अच्छा लगा। और एक बोतल लिए, ये बोतल जो मुझे बहुत ही प्यारा लगा, और कम प्राइस में हमको दो चीज़ मिल गया, क्योंकि हम वैसे पैसा लेके नहीं गए थे, बहुत कम ही लेके गए थे। किताब भी 3-4 को खरीदे हैं, नहीं मालूम, तो 4 को खरीदे हैं बुक, और ये एक बोतल, क्योंकि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हमको पिंक कलर का ये जो बैग है ना, मतलब मेरा फेवरेट कलर है पिंक कलर, इसलिए मुझे पसंद है, ये बैग पसंद है। तो क्या हुआ ना कि कल आज स्कूल भी गए, पर आज बहुत जल्दी छुट्टी हो गया, किसी चीज़ का पूजा था तो आज खाना पियाना हो रहा था, तो इसकी वजह से छुट्टी हो गया स्कूल आज जल्दी, मतलब खा के स्कूल से छुट्टी हो जाता। तो आज हम लोग का मतलब पढ़ाई नहीं था, ऐसे ही खेलना कूदना, और मतलब समझ सकते हो। तो अभी हम कुछ करने रहे घर में, कोई है भी नहीं, अकेले हम घर में हैं और मेरे हस्बैंड। हम सोचे ना कि कल जाएंगे उनके पास, क्योंकि रविवार है कल, मतलब कल हम मतलब स्कूल तो हाफ डे छुट्टी होता है कल, सोचे कल जाएंगे। पर हम सोचे कि अकेले कैसे जाएंगे, क्योंकि हमको अकेले जाना बहुत ही डर लगता है, कोई साथ में रहता है ना तो हमको अच्छा लगता है, पर अकेले जाना बहुत ही डर लगता है, क्योंकि अब भी बैठो फिर शाम को 7 बजे 7:30 बजे उतारता है झांझा, तो बहुत ही दिक्कत रहता है। इधर क्या है कि केला आलू अपोए का साग, इसका भी सब्जी बनेगा और रोटी, क्योंकि रात को ना मम्मी या नाना सब रोटी खाते पर हम चावल खाते, क्योंकि हम चावल का बहुत ही दीवाना है, चावल से ही मेरा पेट। रोटी में क्या होता है ना कि रोटी से मेरा पेट भी नहीं भरता, बहुत इंसान को होता है रोटी पसंद है, पर मुझे चावल पसंद है, मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, उनको मतलब दिन रात जैसे चावल हमको पसंद है उनको भी ऐसे ही पसंद है। यहाँ के क्या बोलेंगे कि हम आते तो मम्मी हमको मोटा देते हैं, मेरा पेट निकल जाता है। हम बोले ऐसा कोई बात नहीं होता, आप तो जितना भी खाते हैं एकदम खाते हैं, पर आरामी से खाते हैं जो आपका फैल। बोले नहीं हम, तुम वैसे हमको खिला देती हो इसकी वजह से निकल जाता है पेट, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम खिलाएंगे तो उनका पेट निकल जाएगा। और एक बात गाइस, मैंने कुछ सोचा कि क्या हम बिहार जाए, मैंने अपना ससुराल जाए, या आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमको उनका याद आ रहा है। और अभी भी कॉल किए तो वो मतलब ऐसे ऐसे बात हुआ, पर हम सोचे कि एक बार जाके मिल लेते हैं, कल हाफ डे छुट्टी है, तो क्या कि सोमवार तक हम सुबह में लौट आएंगे यहाँ कोलकाता, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी अभी देखना है, एग्ज़ाम भी आ रहा है, एग्ज़ाम तो बहुत ही पास है, और हमको मालूम है कि इधर उधर जाना बहुत ही ये है, क्योंकि अभी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। तो क्या मतलब आज ही मतलब कल ही निकलेंगे, टिकट हो भी जाएगा, क्योंकि टिकट करवा रहे हैं जो मेरे हस्बैंड है ना, उनका दोस्त है एक, कोलकाता ही में रहते हैं, तो उनको ही बोलेंगे टिकट कटाने के लिए, तो
तो मुझे इस समय कोई दिक्कत नहीं है। और अकेले जाने के मतलब वो जा मतलब चल जाएंगे क्योंकि बहुत आ जा कर किए हैं तो मुझे देखा ही है उससे भी। मैं चुपचाप जाएंगे और ट्रेन में आराम से रहेंगे। झाझा तो 7 बजे तक पहुँचा ही देता है, इतना कोई डरने की बात नहीं है। तो अभी देखते हैं कल तक जाते हैं, अभी टिकट तो कंफर्म नहीं हुआ है, हो जाएगा तो देखते हैं जाते हैं। और जाएंगे अपना ससुराल तो आपको नेक्स्ट मतलब अगला ब्लॉग में मिलेंगे। तब के लिए अभी बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा। सही में बहुत गर्मी है तो बाय।